अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सारे व्यूवर्स? आज मैं आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वेजिटेबल पुलाव की। बाज़ दफ़ा हमारा चिकन या मीट खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन साथ में ये भी दिल करता है कि कोई स्पेशल आइटम बने, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स मौजूद हैं। आप इनको कबाब के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं और ये तैयार भी फटाफट से हो जाता है। तो चलें इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं आपको सब्जियां दिखा देती हूँ कि मैंने क्या यूज़ की हैं। 2 कप चावल मैंने ले लिए थे, इनको मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। 2 गाजरें मैंने ले ली थी दरमियाने से साइज़ की, आप उनको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। 2 ही दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और मटर मैंने यहाँ पे तकरीबन आधी से 1 कप के बीच में लिए हैं। किसी भी सब्ज़ी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इसमें कोई और सब्ज़ी ऐड करनी है, जैसे कि शिमला मिर्च है या बंद गोभी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब मैंने दिचकी में डाल दिया है तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल। और अब एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और हल्की फ्लेम पे मैं उसका अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक इस प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई करते हुए मैं हमेशा फ्लेम को आहिस्ता रखती हूँ, तेज़ रखते हैं तो एकदम जल जाता है और उसका टेस्ट भी नहीं आता। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। जब प्याज का रंग ब्राउन हो गया तो तब मैंने शामिल किया है। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, 1 से 2 मिनट आप फ्राई करें। हल्का सा जब लहसुन का भी कलर ब्राउन हो गया तो मैंने ऊपर से पानी डाल दिया है ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है प्याज और लहसुन का वो कम हो जाए। उसके बाद ढक के रख दिया था ताकि जो प्याज है वो ज़रा गल जाए। ये देखिए अब थोड़ी देर में प्याज वगैरह गल चुका है, थोड़ा सा रंग भी निकल आया प्याज का। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ वेजिटेबल्स। आलू डाल दिए हैं मैंने, साथ में मटर शामिल कर दिए हैं और साथ ही में मैंने गाजर शामिल कर दिए। सब्जियों को शामिल करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तेज़ आग पे इनको फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे सब्जियों को फ्राई करते हुए, तो अब मैं इसमें मसाले शामिल कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ इसमें नमक, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। उसके बाद मैं 1 चिकन क्यूब डाल रही हूँ और साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें 2 टीस्पून गरम मसाला। आप चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन क्यूब अगर स्किप करना चाहते हैं, आपको टेस्ट नहीं पसंद, तो आप स्किप भी कर सकते हैं और उसके बजाय आप नमक की क्वांटिटी को ही बढ़ा दीजिए। अब मैंने शामिल कर दी हैं 2 हरी मिर्चें। गरम मसाला मैंने पाउडर वाला इसलिए यूज़ किया है कि मैं इस पुलाव को ज़रा सिंपल रखना चाह रही थी। अगर आप इस पुलाव को स्ट्रॉन्ग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप साबुत गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब मैं फिर से अच्छे तरीके से इसको भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट तेज़ आग पे भून लेने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। 2 कप चावल थे तो यहाँ पे मैंने 4 कप पानी ले लिया है और उसके बाद 1/2 कप मैंने और डाल दिया था जो मुझे चाहिए सब्जियों को गलाने के लिए, क्योंकि जब सब्जियों को हम गलाएंगे तो थोड़ा सा पानी ड्राई होगा, इसलिए मैंने 1/2 कप एक्स्ट्रा शामिल किया था इसमें। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सब्जियां गल जाने तक के लिए इसको हम ढक के रख देंगे हल्की आग पे। ये देखिए तकरीबन 5-10 मिनट में ही सब्जियां गल के तैयार हो गई हैं, क्योंकि सब्जियां हमने छोटे साइज़ में कट की हुई थी तो जल्दी ही कुक हो गई हैं। अब मैं चावलों का पानी निकाल के चावल शामिल कर रही हूँ बीच में। चावल डालते हुए आप हमेशा ये मेक श्योर करें कि चावलों का सारा पानी आप निकाल दें। हल्के हाथों से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे और जब तक कि चावलों का पानी ड्राई हो जाए इसको तेज़ आग पे कुक करेंगे। ये देखिए अब चावल दम लगाने के लिए तकरीबन तैयार हैं, तो अब मैं दम लगा रही हूँ इनको। 10 से 15 मिनट दम देने के बाद मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी सी इससे खुशबू आ रही है, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। थोड़ी सी वेरिएशन भी आप ला सकते हैं इस पुलाव में, अगर आप चाहें तो आप इसमें साथ उबले हुए अंडे शामिल कर सकते हैं, उनसे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और लुक भी अच्छी आएगी। इस वेजिटेबल पुलाव को आप किसी भी सालन के साथ, कबाब के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को स्पेशली आप यह बना के दें क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इसमें सब्जियां हैं, बच्चे बहुत शौक से इसको खाएंगे। उम्मीद है आपको क्विक से इस वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।